बदमाशों ने सभासद के मारी गोली, हालत गंभीर, डॉक्टरों ने किया हायर सेंटर रेफर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के बिलारी क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 के सभासद को बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने से सभासद गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए आनन फानन में CHC बिलारी ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने के चलते उन्हें मुरादाबाद रेफर कर दिया गया। मुरादाबाद जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने सभासद का एक्सरे करवाया, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही समाजवादी विधायक जिला अस्पताल पहुंच गए और सरकार पर जमकर बरसे। बिलारी विधायक ने सरकार को गुंडों की सरकार बताया और प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म होने की बात कही है। यातायात महीने में एक बाइक पर 3 बदमाशों ने सवार होकर सभासद को मारी गोली। विधायक का कहना है कि लगातार मुरादाबाद पुलिस चेकिंग कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर सभासद को गोली मारकर फरार हो गए। मुरादाबाद जनपद के बिलारी से वार्ड नंबर 10 के समाजवादी सभासद तहसील से घर जाते समय देर शाम बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने से सभासद गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं जब घटना के बारे में सभासद से जानकारी की गई, तो उन्होंने बताया कि वो काम से तहसील गए थे। जब वह वापसी अपने घर लौट रहे थे, तो बाइक से पीछा कर रहे 3 बदमाशों ने उनकी बाइक रोक ली और उनको मारना पीटना शुरू कर दिया, और मौका मिलते ही उनके ऊपर अवैध तमंचे से जान से मारने की नीयत से गोली मार दी। बदमाशों ने सभासद के सीने पर गोली चलाई, लेकिन सभासद ने अपने बचाव में बदमाशों को धक्का दे दिया, जिससे बदमाश की चलाई गई गोली सभासद के हाथ में लग गई है, जिससे सभासद गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज चल रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अदीम, बिलारी वार्ड नंबर 10 से सभासद हूँ, नगर पालिका परिषद समाजवादी पार्टी से। मामला यह था, मैं सभा रोड से स्थित अपने घर जा रहा था बाजार में। रास्ते में 2-3 लोग कब्रिस्तान के निकट खड़े थे, जिसने मुझे एक ने रोकने के बाद बाइक से गिरा दिया और थोड़ी मारपीट करी। मेरे थोड़ा विरोध करने पर जो है ना, एक ने तवंचा निकाल कर दूसरे को दे दिया और उसने जो है ना एकदम गोली चला दी, जो छीने झपटी में ना मेरे यहाँ सीने से बचकर कंधे पर लग गई। और वो इतनी देर में कुछ लोगों के आने जाने पर वो भाग लिए कि अब तो बच गया, तो मार के दम लेंगे, आज नहीं तो कल तो ये मरना तेरा निश्चित है। और ये गए तो चले गए। फिर वो करीब 3 लोग तो बैठे थे, बोला था मुँह एक का मुँह ढका था। 3 बाइक से भाग गए, एक पैदल जो है ना बस्ती की ओर भाग गए। सब 4 लोग थे। हाँ जानते हैं थोड़ा, लेकिन शकल से अभी थोड़ा जानकारी ली जाएगी तो पक्का पता चल जाएगा। नाम क्या है, पहचान ना, थोड़ा जान पहचान, थोड़ा कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा उन लोगों से, मतलब थोड़ी दूसरों से इंक्वायरी ली जाएगी, तब नाम पता चल सकता है। चारों में जहाँ नहीं, पहले से ना किसी ने बताया भी था कि तो एक दो लोग तेरा पीछा करते हैं, पता ना किस लिए, तो मैंने नज़रअंदाज कर दिया था उस टाइम। फिर जो है ना आज वो उनको मौका मिल गया शायद, और वो फिर भी अब कामयाब नहीं हो पाए, ऊपर वालों को कुछ और मंजूर था। 2 चली थी, एक तो ये यहाँ लग गई, एक मिस हो गई थी। नहीं थोड़ा रिश्तेदारी का मामला, तो आपस में थोड़ी रंजिश चल रही थी। रंजिश भी कोई खामर का नहीं, मेरा कोई व्यक्ति का झगड़ा नहीं है, और मैं किसी की मदद कर लेता हूँ वार्ड के नाते या कैसे नाते, तो किसी को अच्छा लगता है किसी को बुरा लगता है, बस उसमें दुश्मनी रख ली। हाँ देखिए पॉसिबिलिटी जहाँ तक है, यहीं पर अगर हो सकता है तो यही नंबर में जहाँ कहेंगे जाना पड़ेगा। ये बिलारी के सभासद हैं, समाजवादी पार्टी के, सबसे कम उम्र के। ये किसी काम से तहसील से जा रहे थे अपने घर की तरफ, तभी देर शाम कुछ अज्ञात बदमाशों ने इनके ऊपर हमला किया और जानलेवा हमला किया, जान से मारने की नीयत से। खुदा का करम इनके ऊपर था कि इनके गोली सीने में लग के इनके हाथ में लगी और वो इतनी अंदर तक चली गई कि अल्लाह से दुआ करिए कि उनकी ज़िंदगी बच जाए। हालात ये हैं कि दहशत का माहौल बिलारी में है, ऐसा जैसे कर्फ्यू लग गया हो। लोग इतने डरे हुए सहमे हुए हैं कि अब जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कहाँ से सुरक्षित होगा। तो हालात बहुत दहशत नुमा है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज, गुंडा राज पूरी तरीके से हावी है। बदमाशों को अब कोई खौफ नहीं रहा किसी का भी, बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं, दिन में गोलियां चला रहे हैं, रात को गोलियां चला रहे हैं। लोगों की जिंदगी उनके सामने कीड़े मकोड़े जैसी हो गई है, ऐसा कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ जैसा इस वक्त चल रहा है।
कोई मतलब नहीं है। बच्चा सबसे कम उम्र का बच्चा है, ना कोई मुकदमा आज तक इस पर कोई कायम है, ना कोई विवाद है इसके ऊपर। शरीफ बच्चा है, अच्छा घराना है, कारोबारी लोग हैं, किसी से कोई रंजिश नहीं। ज़बरदस्ती पता नहीं हालात क्या हैं, हम तो ये समझ रहे हैं किस तरीके से कोई भी हालात अगर इस तरीके से बेकाबू हो जाएं तो ये कम बड़ी मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों के ऊपर अगर किसी से कोई रंजिश हो भी गई तो क्या लोग कत्ल कर देंगे उसका, और ऐसा कत्ल करेंगे कि आवाम को भी मतलब भूल जाएंगे कि हमारे हाथ में तमंचा है, पिस्टल है, रिवाल्वर, गोली मार देंगे सीधी। इससे ज़्यादा और क्या नुकसानदायक होगा। उत्तर प्रदेश खत्म की तरफ हो चुका है, लोग बहुत बड़े परेशानी के आलम में हैं, माएँ बहनें दहशत में हैं, हर एक वर्ग परेशान है, व्यापारी वर्ग से लेकर हर वर्ग परेशान है इस वक्त। हाँ, ये बता रहे हैं कि मैं जा रहा था अपने घर पे, जैसे ही बाइक से मैं निकला, तीन लोग मोटरसाइकिल से आए और उन्होंने इस तरीके से मेरे को आगे आकर रोकने की कोशिश की। जैसे ही मैं घूमा वैसे ही उसने सीधा निकाल के मेरे गोली मार दी। मैं मतलब मेरे सीने पे मारना चाहता था, लेकिन वो तो कुदरत का रहम हुआ कि मेरे हाथ में गोली लगी। तो वो हाथ में ऐसी लगी है कि उसकी बगल तक आ गई है और उसको हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है, यहाँ भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा। डॉक्टर ने कहा ये सीरियस है, इसको जो है मेरठ रेफर किया जा रहा है। हालात सीरियस है तभी उसको मेरठ रेफर किया जा रहा है। बोल रहे हैं उसका अगर ज़रा सा भी हो गया तो उसका हाथ हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगा और बहुत मतलब हालात ख़राब हो जाएंगे, तो उसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के लिए उसको मेरठ हायर सेंटर रेफर कर रहे हैं। नहीं देखिए, सरकार फेल है, बाबा जो हमारे मुख्यमंत्री बने बैठे हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही बड़ा खतरनाक कांड हो जाए, जब सरकार फेल हो चुकी होती है तो फिर जो है नीचे का तंत्र अपने आप ख़राब हो जाता है। आप देखिए कि जिस तरीके से गुंडे बदमाश मोटरसाइकिल पर बैठकर तीन लोग एक मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, जो कि चौराहे पे ये दावे किए जाते हैं कि चेक इन के नाम पर कि हम लोग रोक रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं, और आप देखिए तीन बदमाश जाके गोली मार देते हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे? पूरी तरीके से कानून व्यवस्था फेल है, लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर व्यवस्था के नाम पर लोगों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और गुंडे जो है मस्ती ले रहे हैं, गुंडे जो है आगे बढ़ रहे हैं, गुंडों को ये पता ही नहीं, डर ही खत्म हो चुका है। गुंडे तो इसे अपनी सरकार समझ रहे हैं, ये गुंडों की सरकार है, एक तरीके से आपने देखा भी होगा। अब आप देखिए, तो आपको समझना होगा, आप तो चौथा स्तंभ है, हर चीज़ आपको मालूम है। देखिए आप क्या हालात बने हुए हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे समाजवादियों के ऊपर ये अत्याचार जो हो रहा है, समाजवादियों के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, समाजवादी खिलाफ अब ये गोलियों के मामले रह गए हैं, क्योंकि हम लोग आपने देखा होगा लोगों के अंदर ये भावना पैदा हो चुकी है कि 2022 में हम लोग जो है कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं, आपने महसूस किया होगा। इसलिए अब हमारी जानों के दुश्मन हो चुके हैं ये लोग, अब हमारी जानों के प्यासे हो चुके हैं। सभासद के ऊपर गोली चलाई है, कभी हमारे पूर्व विधायकों पर गोली चल जाती है, कभी हमारे लोगों पर अटैक हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, आपने देखा होगा हालात कितने बेकाबू हो चुके हैं, और शायद अब संभलने वाले हालात हैं नहीं। मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार है। हाँ, ये बिलारी CSC से रेफर आया है हमारे पास पेशेंट, ये गनशॉट का जो है केस है, और इसमें जो है ये बताया जा रहा है कि ये पार्षद भी हैं वहाँ के, इनके जो है बाएं हाथ में ऊपर की तरफ एक्सरे करवाया अर्जेंट, अभी हमने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दो दो को बुलवाया और जो है रेडियोलॉजिस्ट को बुलाया, एक्सरे करा, सारे जो है स्कैनिंग करी, वास्तव में अंदर गोली पाई गई, छर्रे पाए गए हैं, गनशॉट तो क्लियर है ये, इसमें कोई जो है कोताही नहीं बरती जाएगी, और सीरियस भी है, हो सकता है इनको जो है जो डॉक्टर आए हैं, जो मैंने उनको भेजा है, उनको जो है रेफरेंस भेजा है, हो सकता है वो रेफ़र कर दें उनको मेरठ के लिए या दिल्ली के लिए, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि ये छर्रे ऐसी जगह हैं, कुछ छर्रे तो बाहर से निकल सकते हैं, लेकिन कुछ छर्रे ऐसी जो नस पे दबे हुए हैं वो वैसे नहीं निकल सकते, वहाँ नसों का डॉक्टर भी चाहिए, तो यहाँ पे नसों का डॉक्टर नहीं है, इसलिए रेफ़र भी करा जा सकता है। अभी तो यहीं पे है, करा जा रहा है, जितना भी ट्रीटमेंट हो सकता है उचित इलाज करा जा रहा है, पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, खून भी काफ़ी मात्रा में बह चुका है, उसकी भी व्यवस्था करी जा रही है, जल्दी से जल्दी, इतनी जल्दी में जो है धीरे धीरे काम हो रहा है, कोई बात नहीं है, और एम्बुलेंस मंगवा ली गई है, फ़ोन कर दिया गया है, अगर जो है ये जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो है बाकी ट्रीटमेंट ही होता रहेगा। हाँ, हायर सेंटर ही भेजना पड़ेगा, जैसे हमारे सीनियर कह रहे हैं उनके हिसाब से
उनके हिसाब से जो है बाहर ही भेजना पड़ेगा। हाँ, मरीज को एक्सरे कराने के बाद जब हमने देखा, पहले तो हमने देखा कि भाई बाहर ही ऊपर ये छर रहे, लेकिन हमने देखा फिर एक्सरे कराने के बाद अर्जेंट एक्सरे करवाया, अर्जेंट टीम आई एक्सरे करने के लिए, डॉक्टर साहब भी आ गए एक्सरे वाले, तो तीन चार छर्रे जो है बगल में जो नीचे नस होती है, अगर वो ऑपरेशन करते समय यहाँ कट गई तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि यहाँ नसों का डॉक्टर नहीं है, तो जान नहीं है, ये हाथ चला जाएगा, जान तो नहीं जाए। अब देखो, जान भी जा सकती है, ये नहीं कह सकता मैं, जान भी जा सकती है, लेकिन हाथ जरूर चला जाएगा अगर ये गड़बड़ी हो गई, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, है ना। तो इसलिए जो है इनकी भलाई के लिए जो है उनको रेफर किया जा रहा है।